Professor Manoj Kumar Jha. Shukriya, Honorable. You have 3 minutes. Yeah, I know. Honorable Vice Chairperson. मैं जानता हूं उस कुर्सी में ही कुछ है, मौसम और माहौल वैसा ही रहता है. शुक्रिया मैम. माय फर्स्ट इंटरवेंशन वुड बी कि मैं सरकार से, आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आयुष मंत्रालय के गठन के बाद एक बार उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए. 2014 में इस मंत्रालय के गठन के बाद हमने कौन सी उपलब्धियाँ हासिल की. मेरी समझ में ये भी नहीं आता है कि योगा और नेचुरोपैथी को आप IMCC एक्ट से लगातार बाहर क्यों रख रहे हैं. हजारों छात्र हैं जो PhD किए हैं BNYS, MD, PhD प्रोग्राम, 50 मेडिकल कॉलेजेस से, उनके बारे में जो बेरुखी है, ये बेरुखी हमारी समझ में नहीं आ रही है. तीसरी चीज़ है जो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, रेफर टू पॉइंट टू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन. ये इतना स्वीपिंग डेनाइग्रेशन है इससे पहले के स्ट्रक्चर्स और प्रोसेस का, तो कहीं ना कहीं एहसास होता है कि क्या उन्होंने कुछ भी 10% भी अच्छा नहीं किया. क्या सब कुछ जमींदोज था, इतना बुरा था. मैं समझता हूं कि इसको ध्यान में रखना चाहिए और इस तरह के मैं समझता स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. इट शुड बी मोर बैलेंस्ड. मैम, ऑर्डिनेंस को लेकर के मेरे कई साथियों ने कहा, अब इस सरकार से मैं शिकायत भी नहीं करना चाहता, ये सरकार नहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है. ऑर्डिनेंस की क्या एक्सीजेंसी है, क्या इमीडिएसी होती है, उसका कोई जिक्र नहीं होता है. बस ऑर्डिनेंस चाहिए, पार्लियामेंट रेसेस में है, ऑर्डिनेंस चाहिए. नाउ आई लुक एट द ब्रॉड पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर मैं IMCC की बात करूं, ये कौन सा सहकारी संघवाद है इस सरकार का. प्रधानमंत्री जी, तमाम मंत्रीगण बार बार कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और मैंने 2-2.5 वर्षों में इस सदन में बैठ करके देखा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो कतई नहीं है, सहकारी संघवाद कहीं से दिखता नहीं है. और मैं समझता हूं कि ये, अगर मैं एक शब्द का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करूं, तो वो है अहंकारी संघवाद, जो अलग अलग मसलों पे, चाहे आर्थिक क्षेत्र का मामला हो, चाहे हैंड होल्डिंग का मामला हो स्टेट का, उन सब चीज़ों में दिखता है. मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा, इस बिल को थोड़ा बैलेंस्ड बनाइए. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में तमाम पावर आपके पास है. राज्य और केंद्र के बीच में टकराव के कई लक्षण हमने बीते दिनों में देखे हैं. Honorable member, you have only 1 minute, so please start winding. बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा ना, उस कुर्सी में ही कुछ है. एनीवे, मैं सिर्फ इतना कह के खत्म करूंगा अपनी बात कि आपको योगा एंड नेचुरोपैथी को आप इसमें शामिल करें. आयुष मंत्रालय बनने के बाद बहुत अच्छा लगा था कि लगा कुछ बहुत बेहतरीन चीज देखने को मिलेंगी वो. और एक जो मैंने पहले कहा था माननीय मंत्री महोदय को कि कई इस तरह की चीज़ों के नाम पर जो बाजार में चीज़ें चल रही हैं, उस पर अंकुश लगाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए और इसका स्प्रेड पूरे हिंदुस्तान में हो. और मैं पुनः आपको बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और जय हिंद के साथ. शुक्रिया. थैंक यू. श्री विनय विश्वम जी.